ये क्या हो गया आपको? मैं ठीक हूँ लक्ष्मण। सही कहा भैया आपने, दो बहनों का नाता है, चाह के भी कोई अलग नहीं कर सकता। मंगल के सामने आदित का सच आ जाएगा, यहाँ पर वो सोम्य और आदित को पकड़ लेगी और अब देखते हैं अब क्या होगा। क्योंकि भाई इतने दिन से हम देख रहे थे ना कि कुसुम बहुत परेशान हो रही थी, यहाँ पर उसको ये तो पता लग गया था कि जो ड्रेसेस है, जो उसके लिए अंगूठी खरीदी है, जो भाई यहाँ पर एक सारे ड्रेसेस तो चले गए, बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ लेकिन आप कैसे लग गया आपको, ये कैसे गिर गया? मम्मी के ऊपर पूरा झूला गिर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? रस्सी मजबूत नहीं थी क्या? रस्सी तो मजबूत ही थी। और यहाँ पर सोम्या की भाई बेइज्जती भी कर देती है कुसुम। हम देखते हैं कि बैग में से पूरा सामान निकाल के फेंक देती है और देखती है कि एयरिंग्स का है, लेकिन एयरिंग्स मिलते नहीं है क्योंकि भाई ये जो एयरिंग्स है ना ये लिपिका के लिए आए हैं। अब लिपिका ने तो भाई नाटक कर लिया है, लिपिका कितना ब्लैकमेल कर रही है आदित और सोम्या को हम देख ही रहे हैं। यहाँ पर दोबारा से आदित उसको गुस्सा भी करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो रही है। तो मेरा पैर फिसल गया था और फिर मैं झूले पर जाकर गिर पड़ी, इसीलिए झूला टूट गया। ये तो अचानक टूटी हुई नहीं लग रही है, देखिए कैसे कतरी हुई है। कितना सब कुछ कर रही हो यहाँ पर, मुझे अपने आप को ना बेचना पड़ेगा, फिर तुम्हारे लिए सारा सामान लाना पड़ेगा। यहाँ पर लिपिका लेकिन कहती है कि ठीक है मैं फिर एक काम करती हूँ, दीदी को सब बता देती हूँ और यहाँ पर ना आप मुझसे ना ऊंची आवाज में नहीं बोलो। वहीं हम देखने के लक्ष्मी भी भाई लिपिका को पकड़ लेती है, यहाँ पर उसके हाथ में पैसे वगैरह होते हैं, खूब पार्टी कर रही है, खूब खर्चा कर रही है और यहाँ पर लक्ष्मी को थोड़ा सा तो शक हो गया की सखी दीदी फिर से आग में घी डाल रही है और मेरा बेटा हर बार उसके कहने पे आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ हमने करवाया है खुद और रस्सी पहले से कटी हुई नहीं थी। मंगल ये कहां से इसके पास पैसे आ रहे हैं? यहाँ पर अपनी बहन मंगल को तो नहीं बताएगी लेकिन वो जासूसी करना शुरू कर देगी और जब उसको ये पता लगेगा कि आदित और सोम्या उसको दे रहे हैं तो यहाँ पर आदित और सोम्या से भाई पूछेगी लक्ष्मी की ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपको ये ब्लैकमेल कर रही है। और मंगल ने दोनों झूले खुद लगवाए, तो कुछ भी मत सोचो लक्ष्मी। जी आप खुद देखिए ना इस रस्सी को। लक्ष्मी जा ले दे, जब सच सामने आएगा तब देखते हैं कि मंगल क्या करती है। वैसे हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई उसकी बेटी डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रही है और यहाँ पर उसके साथ नहीं सोम्या के संग डांस कर रही है। ये सारी चीजें उसको नहीं पता लगेंगी जब डांस प्रैक्टिस हो रही होगी, लेकिन हाँ यहाँ पर हमने एक प्रोमो तो देख ही लिया था किस तरीके से भाई उसके पैर में लग जाती है और पैर में इतनी लगी है कि वो व्हील चेयर पर बैठी हुई है। अब व्हील चेयर पर बैठ के डांस कॉम्पिटिशन देखने तो आई है पर जब उसको ये पता लगेगा कि उसकी बेटी के संग सोम्या डांस कर रही है तब देखते हैं सबका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो यहाँ पर उसकी बेटी ने अभी तो झूठ बोल दिया कि मैं अकेले डांस कर रही हूं क्योंकि भाई मेरे मम्मी के पैर में लग चुकी है। और यहां पर ये भी एक प्रोमो हम देख रहे थे किस तरीके से वो डिस्क्वालिफाइड भी हो जाएगी क्योंकि यहां जब सबको पता लग जाएगा कि भाई सोम्या तो उसकी मां है नहीं और मंगल उसकी मां है और वो सोम्या के संग कैसे डांस कर सकती है, क्योंकि और सारे बच्चे भी भाई इस चीज का पोजीशन करेंगे ना कि भाई ये तो सब मां के संग डांस करना था और ये कैसे प्राइज जीत सकती है, तो यहां पर हो सकता है कि वो डिस्क्वालिफाई हो जाए और यहां पर मंगल कुछ ऐसा बड़ा काम करे कि जिसकी वजह से यहां पर सब लोगों को उसके ऊपर नाज़ हो।